आई एम दीपक कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट की सीरीज पढ़ लेते बेटा, जिसका आज हम लोग लेक्चर थर्ड देखेंगे। जो भी हमारे साथी हमारे चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग की लेफ्ट में जो है बेल आइकन दिख रही होगी बेटा, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, इधर हम कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जिसका हमें बहुत दुख है, लेकिन अब अल्टरनेट हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे और आपके एग्ज़ाम भी काफ़ी पास आने वाले हैं। एक न्यूज़ सुनने में आ रही थी बेटा कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे 2-3 हफ्तों में आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रहा था कि जो है ये हमारी सीरीज चलती रहेगी, इसके साथ साथ जो भी हमारे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं हम लोग उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और कोशिश करेंगे कि जो है हर संडे को आपको कम से कम 2 पेपर डिस्कस कराएंगे, जिससे आप लोग बेटर स्कोर कर सको एग्ज़ाम में। और अगर आप हमारे चैनल को लगातार बेटा देखते हैं तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम लोग आज शुरू करेंगे लेक्चर थर्ड, जिसका टॉपिक पढ़ेंगे बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर सर्किट क्या है, और सर्किट को समझने से पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, नेटवर्क को समझना पड़ेगा। तो नेटवर्क क्या होता है बेटा, कि अगर हमारे बहुत सारे कंपोनेंट हैं, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट है, अगर हम सारे एलिमेंट को क्या करते हैं आपस में जोड़ दें, तो हमारा एक सिस्टम बनके तैयार होता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट विच मे और नॉट क्लोज पाथ, जिसमें क्लोज पाथ हो सकता है और क्लोज पाथ नहीं हो सकता है। अगर हम लोग लिखना चाहें बेटा तो नेटवर्क के बारे में, नेट वर्क के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे नेटवर्क क्या है, नेटवर्क बेटा क्या है, इट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट विच मे और मे नॉट क्लोज्ड पाथ। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या नेटवर्क के बारे में पढ़ा कि इसमें क्लोज पाथ हो सकता है और क्लोज पाथ नहीं हो सकता है, और ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट को अगर हम लोग इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो जो हमारा सिस्टम बनके तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेटवर्क कहेंगे बेटा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें नेटवर्क का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा इसका, नेटवर्क का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लेते हैं बेटा, और हम लोगों ने बैटरी सोर्स के बारे में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जो बड़ी वाली प्लेट है वो पॉजिटिव को शो करेगी और छोटी वाली किसको शो करेगी, निगेटिव को शो करेगी प्लेट। ठीक है बेटा, हमने इससे क्या किया कि एक रजिस्टर कनेक्ट किया, फिर क्या किया, इंडक्टर कनेक्ट किया, फिर कैपेसिटर कनेक्ट किया। ठीक है बेटा,
एक हम यहाँ कैपेसिटर कनेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे एक वापस कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, नेमिंग कर लेते बेटा, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया V, ये रजिस्टर R1 हो गया, ये रजिस्टर R2 हो गया, ये कैपेसिटर C1 हो गया, ये कैपेसिटर C2 हो गया, ये कैपेसिटर C3 हो गया, और ये इंडक्टर हमारा बेटा L हो गया। तो हमने एक एग्जांपल जो लिया है, तो देखिए इसमें बेटा जो है पहला लूप है, ये हमारा पहला लूप कैसा है, क्लोज लूप है। दूसरे अगर हम लूप को देखें, ये भी हमारा क्या है, क्लोज लूप है। लेकिन तीसरे को हम देखते हैं तो ये क्या है हमारा बेटा, ओपन है। तो ओपन होने की वजह से क्या करंट फ्लो करेगी, नहीं करंट फ्लो करेगी, पाथ ही नहीं है तो करंट कहां से फ्लो करेगी। तो हमने कहा, और यहां हमने अलग अलग कंपोनेंट लिए बेटा, रजिस्टर लिया, इंडक्टर लिया, कैपेसिटर लिया, और एक्टिव सोर्स के तौर पे एक बैटरी ली, और सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। तो जो ये हमारा पूरा सिस्टम बनके तैयार होता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक नेटवर्क है। क्या है, एक नेटवर्क है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। हमने यहां पे क्या लिया, एक रजिस्टर ले लिया, फिर हमने एक इंडक्टर ले लिया, और हमने यहां से एक कैपेसिटर जोड़ दिया। इसमें हमने बेटा एक्टिव एलिमेंट नहीं जोड़ा, यहां पे हमने तीनों पैसिव एलिमेंट लिए। ये हमारा रजिस्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, टू पोर्ट हमारा, बताइए, एक हमारा टी नेटवर्क हो गया। क्या हो गया बेटा, टी नेटवर्क हो गया। ये दोनों तरफ से ओपन है हमारा। तो हम कहेंगे कि बेटा नेटवर्क क्या होता है कि इट इज द इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, ठीक है, जिसमें क्लोज पाथ हो सकता है और क्लोज पाथ नहीं हो सकता है बेटा। अब अगला हम देखेंगे क्या, सर्किट के बारे में। सर्किट बेटा क्या होता है, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है या एक क्लोज लूप होता है। क्या बेटा, सर्किट जो है, अगर हम लोग सर्किट की बात करें, सर्किट और आने वाले टाइम में जब भी आगे हम लोग सर्किट को पढ़ेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, सीकेटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो सर्किट हमारा क्या होता है बेटा, एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। इसके लिए कहेंगे कि इट इज अ क्लोज पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ या क्लोज लूप होता है सर्किट। बहुत आराम से समझना, कोई पूछे बेटा क्या बताएंगे हम लोग, कि सर्किट एक नेटवर्क ही होता है लेकिन क्या होता है, ये क्लोज पाथ होता है बेटा। क्या होता है, क्लोज पाथ होता है जिसमें हमारा करंट फ्लो करने के लिए एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसमें एक रिटर्न पाथ होता है। तो अगर हम लोग कहेंगे कि इट इज अ क्लोज पाथ फॉर गिविंग, ठीक है बेटा, रिटर्न पाथ टू इलेक्ट्रिक करंट बेटा, समझ में आया बेटा। तो अगर सर्किट के डेफिनेशन हमने देखा कि ये क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें, एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, यहां पे हमने एक फिर से क्या किया, एक एक्टिव सोर्स लिया, ठीक है, बैटरी, ये बताइए पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, जिसका वोल्टेज V है बेटा, ठीक है। इससे हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, दूसरा क्या कनेक्ट कर दिया, एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, इसके साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और हमने इसको क्या कर दिया, एक क्लोज कर दिया, ठीक है बेटा। ये हमारा रजिस्टर, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। अब बताइए इसमें जो करंट हमारी फ्लो करेगी पॉजिटिव से निगेटिव के टर्मिनल से, तो ये एक रिटर्न पाथ इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना।
इसमें एक करंट फ्लो करेगी जो आई, उसके लिए पाथ हमारा क्या है, कंप्लीट है। तो बेटा गौर से देखा होगा या गौर से देखिए आप, तो हम कह सकते हैं कि सर्किट बेटा जो है कैसा होता है, एक क्लोज लूप होता है, एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। अब आप बताइए क्या किसी सर्किट को बेटा नेटवर्क कहा जा सकता है, क्या किसी सर्किट को नेटवर्क कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर्किट की कंडीशन होती है कि ये बेटा केवल क्लोज पाथ होता है, लेकिन नेटवर्क जो होता है उसको सर्किट कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क आपका क्लोज पाथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को बेटा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे वाइवा में पूछता है कोई भी एग्जामिनर बेटा कि क्या कोई नेटवर्क सर्किट हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे हाँ सर कि कोई भी नेटवर्क सर्किट हो सकता है जब वो क्लोज पाथ होगा। अगर क्लोज पाथ नहीं है तो हम उस नेटवर्क को सर्किट नहीं कह सकते हैं बेटा। तो ये हमारा जो है नेटवर्क और सर्किट था, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे बेटा। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में बेटा डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बारे में। तो हम लोगों ने वहां पे तीन मटेरियल पढ़े थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो जो भी स्टूडेंट बेटा हमारा पहली बार लेक्चर देख रहे हैं वो सबसे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर को देखें, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया, उसके आगे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल को डिस्कस किया। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, तो अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो ये लेक्चर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल देखा बेटा, तो वहां पे जो तीन हमारे मटेरियल मिले, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, हम लोग उन्हीं मटेरियल से क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे, जो भी हमको क्या होगा, जरूरत होगा, चाहे जो जिस पर्पस से जरूरत होगा उस मटेरियल का कंडक्टर लेंगे हम लोग, और उससे हम लोग क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। कंडक्टर की जरूरत होगी कंडक्टर लेंगे, सेमीकंडक्टर की जरूरत होगी सेमीकंडक्टर लेंगे, इंसुलेटर की जरूरत होगी तो इंसुलेटर लेंगे। तो बेटा अगर हम नेटवर्क एलिमेंट की बात करें, किसकी बात करें बेटा, नेटवर्क एलिमेंट की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी, रिस्पॉन्स और करेक्टरिस्टिक्स बेटा किसकी, नंबर एक प्रॉपर्टी, नंबर दो रिस्पॉन्स, नंबर तीन करेक्टरिस्टिक्स, और इत्यादि ऐसे पॉइंट्स को लेके हम लोग कह सकते हैं कि आधार पे बेटा हमारा जो नेटवर्क एलिमेंट है वो कई प्रकार के होते हैं। तो अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे बेटा क्या, नेटवर्क एलिमेंट। क्या डालेंगे, नेटवर्क एलिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को जो है सर्किट और नेटवर्क के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमारे नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बेटा हमारा इंटरकनेक्शन होता है किसका, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का, और सर्किट क्या होता है, ये क्लोज लूप होता है बेटा जो हमारा करंट को फ्लो करने का एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड कराता है। तो अगली हेडिंग बेटा हम लोग डालेंगे क्या, नेटवर्क एलिमेंट। क्या डालेंगे, नेटवर्क एलिमेंट डालेंगे, एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग नेटवर्क एलिमेंट डालने के लिए, तो हमने क्या कहा बेटा कि जब हम नेटवर्क एलिमेंट डालेंगे, तो अगर हम नेटवर्क एलिमेंट की बात करें बेटा किसके बेस पे, चाहे वो प्रॉपर्टी के बेस पे हो, किसके बेस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे हो, ठीक है, चाहे हम लोग रिस्पॉन्स के बेस पे बात करें, ठीक है, या करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बात करें, या कुछ और दूसरी मतलब है प्रॉपर्टी होंगी, इसीलिए हम लोग कहेंगे ETC, है ना बेटा। इनके आधार पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे नेटवर्क एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, पांच प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, नंबर एक हमारा होता है बेटा लीनियर। कौन सा होता है, लीनियर। एंड दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन लीनियर एलिमेंट। क्या, नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा हमारा, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट।
में, ठीक है बेटा। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, बाइलेटरल, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट हो गया बेटा, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ हो जाएगा हमारा, फोर्थ की बात करें बेटा हमारा तो क्या हो गया, यूनिलेटरल बाइलेटरल यूनिलेटरल हो गया। अगला हो गया टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट बेटा, वेरिएंट एलिमेंट, ठीक है। और फिफ्थ अगर की बात करें हम लोग तो कौन सा हो जाएगा, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि प्रॉपर्टी रिस्पॉन्स और करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, नेटवर्क एलिमेंट का कैटेगराइज कर लिया। तो हमारा पहला कौन सा मिला बेटा, पहला हमारा मिला लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, तीसरा बेटा बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट, चौथा क्या था बेटा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, और पांचवा क्या था हमारा, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। तो ये पांच एलिमेंट है बेटा, हम लोग इनको एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला अगर हम लोग बात करें बेटा किसकी, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट की, किसकी, लीनियर एंड नॉन लीनियर बेटा। तो लीनियर को हम लोग कहते हैं रेखीय, तो अगर हम ऐसे एलिमेंट ले जो बेटा उनकी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग ड्रॉ करें और हमें वो क्या करें, जब तक हम उनकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें वो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि ऐसे मतलब एलिमेंट क्या कहलाएंगे, लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। अगर उनकी करेक्टरिस्टिक्स बेटा हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलती है तो हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर है। और स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, वो लाइन बेटा कहाँ से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग दूसरी डेफिनेशन भी देखते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या बेटा, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इन पांचों एलिमेंट्स को बेटा, नेटवर्क एलिमेंट को। और हमने ये बेटा जो एलिमेंट्स है ये किसके आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, प्रॉपर्टी के आधार पे, रिस्पॉन्स के आधार पे और करेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, ऐसे बहुत सारे मतलब हम लोगों ने आधार लिए जिनके आधार पे हम लोगों ने कहा कि ये पांच प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या हो जाएगा बेटा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है बेटा, नॉन लीनियर एलिमेंट बेटा, ठीक है। तो अगर हमने कहा लीनियर एलिमेंट की बात करें बेटा, तो अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स खींची जाए, क्या खींची जाए, लीनियर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स खींची जाए बेटा, अगर लीनियर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स खींची जाए, ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हमें कैसी मिलनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। और वो कहां से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से पास होनी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि बेटा ये करेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या है, लीनियर है। तो जिन जिन एलिमेंट की हमको ऐसी करेक्टरिस्टिक्स मिलेगी उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, लीनियर एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लीनियर एलिमेंट की, तो हम लोग क्या कहेंगे, दूसरी डेफिनेशन हम लोग आराम से सुनेंगे, ऐसे एलिमेंट, क्या कहेंगे बेटा, ऐसे एलिमेंट जो ओम्स ला, बहुत आराम से सुनना बेटा, पहला क्या, ऐसे एलिमेंट जो ओम्स ला, दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तीसरा बेटा होमोजेनिटी रूल, इन तीनों नियमों को बेटा क्या करें, सेटिस्फाइड करें, इन तीनों नियमों को संतुष्ट करें, तो वो एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे बेटा, ठीक है। हमने बात की लीनियर एलिमेंट की कि अगर बेटा ये लीनियर एलिमेंट है, क्या है, लीनियर एलिमेंट है,
हम लोग पढ़े लीनियर एलिमेंट है बेटा, ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट जो है वो कितने नियम को बेटा सेटिस्फाइड करेगा, जल्दी बताइए। वो तीन नियमों को सेटिस्फाइड करेगा। पहला क्या होगा, ओम्स ला, ठीक है। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बेटा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, होमोजिनिटी रूल, ठीक है। अगर कोई भी कंपोनेंट बेटा इन तीनों नियमों को संतुष्ट करता है तो हम कहेंगे वो कंपोनेंट या वो एलिमेंट क्या है, हमारा लीनियर एलिमेंट है। अगर नहीं करता है संतुष्ट तो वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा नॉन लीनियर। तो जो भी बच्चे हमारे लिखना चाहते हैं लीनियर एलिमेंट की डेफिनेशन, मैं बोल दे रहा हूं, वो लोग नोट कर लें। क्या लिखेंगे बेटा, कि एन कंपोनेंट या एन एलिमेंट सेट टू बी, लिख लीजिए बेटा, एन एलिमेंट सेट टू बी लीनियर इफ इट्स ओबेज ओम्स ला, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड होमोजिनिटी रूल्स, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर, ठीक है बेटा। तो हमने लिख लिया कि कोई भी बेटा एलिमेंट है वो अगर इन तीनों नियमों को क्या करता है, वो संतुष्ट करता है, फॉलो करता है, तभी वो लीनियर कहलाएगा, नहीं तो वो नॉन लीनियर कहलाएगा। अगर हम लोग लीनियर एलिमेंट के एग्जाम्पल देखें बेटा, तो वे एग्जाम्पल क्या होगा, हम इस करेक्टरिस्टिक्स को बेटा क्या करते हैं, रफ करते हैं, ठीक है, रफ करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें लीनियर एलिमेंट के, ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टर हो जाएगा, रजिस्टर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, इंडक्टर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, एक चीज मैं देखता हूं, जब भी सर्किट में इन तीनों कंपोनेंट को लगाता हूं और बच्चों से पूछता हूं तो ये क्या लगा है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रजिस्टर को, सर ये रजिस्टेंस लगा है। बेटा मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, रजिस्टेंस रॉन्ग होता है। रजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर एक क्या होती है, डिवाइस होती है, या रजिस्टर हमारा एक एलिमेंट होता है। तो कभी भी अगर हमारा जो है बेटा फिजिकली कोई चीज लगी है तो वो क्या कहेंगे हम लोग, रजिस्टर कहेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, रजिस्टेंस कहेंगे। इसी तरीके से हम लोग डिवाइस को इंडक्टर कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस कहेंगे। कैपेसिटर हमारी एक डिवाइस होगी और कैपेसिटेंस उसकी क्या होगी बेटा, प्रॉपर्टी होगी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर हम लोग, हमने कहा लीनियर एलिमेंट के एग्जांपल क्या है बेटा, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है। हम लोग इस रफ करते हैं बेटा, तो जल्दी बताइए, अगर हम लोग बेटा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे, वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी आर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे जेड आर इंटू आई, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना, अभी हम बताते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस हम लोग लिखेंगे वी एल इक्वल टू जेड एल इंटू आई। तीसरा क्या होगा बेटा, वी सी इक्वल टू जेड सी इंटू आई, जहां पे जेड आर, जेड एल, जेड सी ये हमारे क्या है बेटा, इंपेडेंस है, क्या है, इंपेडेंस है, ठीक है। ये डिवाइस का क्या है, हमारा इंपेडेंस है। एक हमारा रजिस्टर रजिस्टेंस होता है बेटा, और एक क्या होता है, इंपेडेंस। तो जो भी लोग हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं बेटा, वो लोग बताएंगे कि रजिस्टेंस और इंपेडेंस में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम जेडआर, जेडएल और जेडसी को क्या कहें, ये तीनों बेटा कांस्टेंट है, तो वी और आई के बीच में जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे वो कैसा मिलेगा हमें, वो बेटा लीनियर ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। कहने वाला अगर हम लोग कहेंगे बेटा क्या, कि जेड आर और दूसरा बेटा
जेड एल और तीसरा जेड सी क्या होने चाहिए, ये कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, तब हम लोग जो है बेटा वी आर या वी वर्सेस जो है बेटा वी वर्सेस जो आई ग्राफ खींचेंगे वो हमें कैसा मिलेगा बेटा, वो हमें अगर हम लोग खींचेंगे वी वर्सेस आई अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा बेटा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा। वो पास कहां से करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो लीनियर एलिमेंट की हम लोग एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि एन एलिमेंट क्या कहेंगे बेटा, एन एलिमेंट सेड टू बी लीनियर इफ इट्स, ठीक है बेटा सॉरी इफ इट करेक्टर इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फॉर ऑल टाइम टी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू बेटा ऑरिजिन, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कहा कि ये बेटा हमारे लीनियर एलिमेंट के एग्जांपल हैं, ठीक, और ये हमेशा इनकी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन रहेगी और ओरिजिन से पास होगी, और ये तीन नियमों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। वो कौन कौन से नियम होंगे, पहला ओम्स लॉ होगा, दूसरा बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा, तीसरा होमोजेनिटी रूल होगा। ये तीनों नियम क्या हैं हम लोग आगे की लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर हम नॉन लीनियर एलिमेंट की बात करें बेटा तो आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वहां पे डायोड पढ़ा होगा और ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा। तो डायोड और ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने जब खींची होगी बेटा, अब हम लोग नॉन लीनियर रफ करते हैं, तो जब वहां पे आप लोगों ने बेटा नॉन डायोड और ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स खींची होगी तो आप लोगों को कैसी मिली होगी, नॉन लीनियर मिली होगी। तो जिन लोगों ने खींचा है जरा देख लें बेटा ध्यान से, ऐसी ही मिली होगी आप लोगों को। अगर हम लोग वी आई करेक्टरिस्टिक्स की बात करें डायोड की बेटा, तो हम लोगों को क्या ऐसे आप लोगों को मिला होगा फॉरवर्ड बायस में करेक्ट और रिवर्स बायस में, इस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स आपको मिली होगी। तो इस करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख के क्या कह सकते हैं कि बेटा ये क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आप कहेंगे कि सर ये नॉन लीनियर है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई बेटा, ये हमारी किसकी हो गई, डायोड की हो गई, किसकी हो गई, डायोड की हो गई। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें दूसरी ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, किसकी बात करें, ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो आप लोगों ने खींचा होगा बेटा, तो किस तरीके की मिली होगी आप लोगों को, इस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स आपको ट्रांजिस्टर में देखने को मिली होगी, ठीक है। तो इस करेक्टरिस्टिक्स को देखने के बाद भी हम लोग कह सकते हैं कि सर ये करेक्टरिस्टिक्स लीनियर नहीं है बेटा, कैसी है, नॉन लीनियर। तो डायोड और ट्रांजिस्टर हमारे लीनियर एलिमेंट है या नॉन लीनियर एलिमेंट है बेटा, तो नॉन लीनियर एलिमेंट है क्योंकि इनकी करेक्टरिस्टिक्स लीनियर नहीं होती। तो ये हमारे लीनियर एलिमेंट थे और नॉन लीनियर एलिमेंट थे। अब सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, लीनियर एलिमेंट बेटा वे एलिमेंट जो ओम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तीसरा होमोजेनिटी रूल को बेटा क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं या फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। अगर वो तीनों में से किसी एक नियम को भी नहीं संतुष्ट करते हैं, अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, रजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा और कैपेसिटर होगा। और नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, डायोड होगा, ट्रांजिस्टर होगा और बहुत सारी हमारे जो है कंपोनेंट होंगे, ठीक है बेटा। तो अब अगला हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव, अगला एलिमेंट हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क एलिमेंट, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव से एक बात समझ में आ रही है लोग को, उसके नाम से ही लग रहा है कि एक्टिव कुछ तो दे रहा है बेटा, है ना। एक्टिव एलिमेंट क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट बेटा वे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी को
डिलीवर करते हैं या एनर्जी देते हैं बेटा। और पैसिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी लेते हैं या एनर्जी को रिसीव करते हैं बेटा, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है बेटा, तो एक्टिव एलिमेंट को क्या कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं बेटा, क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पहले जब नेटवर्क पढ़ रहे थे अभी, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक एक्टिव एलिमेंट के तौर पे क्या लिया था, बैटरी लिया था, और वो बेटा क्या कर रहा था, एक्टिव एलिमेंट या बैटरी एनर्जी डिलीवर कर रही थी सर्किट में, और सर्किट में बेटा जो है अदर जो एलिमेंट लगे हुए थे वो कौन कौन थे, रजिस्टर लगा हुआ था, इंडक्टर लगा हुआ था और कैपेसिटर लगा हुआ था। अगर हम लोग देखें बेटा तो अभी हम लोगों ने एक्टिव एलिमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे एक बैटरी बनाई थी, ठीक है, बैटरी बनाई थी, और ये बैटरी क्या कर रही थी बेटा, एनर्जी डिलीवर कर रही थी इस सर्किट को, ठीक है, जिसमें क्या लगा था, एक रजिस्टर लगा था, एक इंडक्टर लगा था और एक इसमें क्या लगा था बेटा, कैपेसिटर लगा था। ठीक है, इसमें क्या फ्लो कर रही थी, करंट फ्लो कर रही थी। ठीक है, ये रजिस्टर था, ये इंडक्टर था, ये कैपेसिटर था। ठीक है, और ये हमारा क्या था, एक एक्टिव सोर्स था। तो हम लोग एक्टिव सोर्स की बेटा डेफिनेशन अगर हमारा जो भी स्टूडेंट लिखना चाहे तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिख लीजिए आप लोग क्या लिखेंगे बेटा कि एन एलिमेंट सेट टू बी एक्टिव इफ इट डिलीवर एनर्जी टू पैसिव नेटवर्क। क्या कहेंगे बेटा, टू पैसिव नेटवर्क। अब जरा गौर से देखिए बेटा यहां पे कौन कौन से एलिमेंट लगे हैं, पैसिव एलिमेंट लगे हैं। ये अपनी एनर्जी डिलीवर कर रहा है किसमें, पैसिव एलिमेंट में डिलीवर कर रहा है। अब एक चीज बेटा हम आपको बहुत आराम से जान लीजिए बता दे रहे हैं कि जो रजिस्टर है वो इस एनर्जी को क्या करेगा बेटा, वो सारी की सारी एनर्जी क्या कर देगा, कंज्यूम कर लेगा, खर्च कर देगा बेटा, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, किसमें, हीट के फॉर्म में। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि जब यहाँ पे बेटा एनर्जी हमारी करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे आई स्क्वायर एक आर लॉस होगा, क्या होगा, तो ये सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, डिसिपिएट हो जाएगी। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होगा, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करेगा बेटा, एनर्जी को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। और इंडक्टर हम लोग जानते हैं क्या करता है बेटा, एनर्जी को अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है, और कैपेसिटर बेटा एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है। ये बेटा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, या बहुत बार वाइवा में एग्जामिनर हमारा पूछता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या होता है बेटा, तो सीधा सा दोनों में अंतर क्या होता है कि इंडक्टर एनर्जी को अपने अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है, और कैपेसिटर बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करता है, और रेजिस्टर बेटा अपने अंदर एनर्जी कभी भी स्टोर नहीं करता, वो सारी की सारी एनर्जी क्या करता है, हीट के फॉर्म में डिसिपिएट कर देता है। तो एक्टिव एलिमेंट बेटा वे एलिमेंट जो एनर्जी को डिलीवर करते हैं, पैसिव एलिमेंट में वो क्या कहलाते हैं, या पैसिव नेटवर्क में वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और अगर जो एनर्जी को रिसीव करते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको रफ करेंगे बेटा, आप लोग डेफिनेशन लिख लिए होंगे एक्टिव एलिमेंट की कि एन एलिमेंट सेट टू बी एन एक्टिव इफ इट डिलीवर एनर्जी टू पैसिव नेटवर्क, अदरवाइज इट पैसिव बेटा। ठीक है, पैसिव एलिमेंट, तो ये हमारे क्या थे, एक्टिव एलिमेंट थे और पैसिव एलिमेंट का एग्जांपल था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे बेटा, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। तीसरा हमारा क्या था बेटा, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एलिमेंट। इससे पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं बेटा, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट में थोड़ा सा, अगर हम लोग एक्टिव एलिमेंट की बात करें, किसकी बेटा, एक्टिव एलिमेंट की बात करें, और इधर हम लोगों ने क्या ले लिया, पैसिव ले लिया, क्या ले लिया, पैसिव एलिमेंट ले लिया। ठीक है,
पैसिव एलिमेंट ले लिया, इधर हमने क्या ले लिया बेटा, एक्टिव एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा करंट का फ्लो जो है कैसे होगा बेटा, वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल कम था, यहां पे पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट में। और पैसिव एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें बेटा, किसकी बात करें, पैसिव एलिमेंट की बात करें हम लोग, तो इसमें क्या होगा बेटा, एनर्जी का करंट का फ्लो कैसे होगा, वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कैसा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और पैसिव एलिमेंट हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पैसिव एलिमेंट के एग्जाम्पल के, हमारे रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। आर क्या हमारा रजिस्टर, एल क्या है इंडक्टर, सी क्या है कैपेसिटर है। सिंबल अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, इनका सिंबल क्या होता है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट क्या है बेटा हमारा, बैटरी हो गई, क्या हो गई, बैटरी हो गई हमारी, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, सेल हो गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बेटा सिंक्रोनस मशीन की, तो सिंक्रोनस मशीन में एक सिंक्रोनस जनरेटर होता है और एक सिंक्रोनस मोटर होती है। तो अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर को देखें तो वो हमें क्या कर रही, एनर्जी दे रही है। तो सिंक्रोनस जनरेटर हमारा क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा, क्या होगा बेटा, एक्टिव एलिमेंट होगा। और सिंक्रोनस मोटर हमारी क्या होगी, पैसिव एलिमेंट होगी। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि सिंक्रोनस मोटर इज अ, आपको ऑप्शन दिए होंगे, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो सिंक्रोनस मोटर हमारी कैसी है, पैसिव एलिमेंट है, क्या है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है बेटा। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, तीसरा जो है नेटवर्क एलिमेंट का टाइप क्या था बताइए, तीसरा टाइप था हमारा बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। तो तीसरा यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल बेटा, तीसरा नेटवर्क एलिमेंट का टाइप क्या है हमारा, यूनिलेटरल और बाइलेटरल, जिसको बेटा हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इसके साथ साथ क्या पढ़ेंगे, लंप्ड एलिमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट, टाइम वेरिएंट एलिमेंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। और इसके साथ बेटा हम लोग क्या देखेंगे, जो इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बेटा जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें बेटा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा, जब आप लोग उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हमारे आएंगे लेटेस्ट, वो सबसे पहले आप तक पहुँचें, ठीक है बेटा। और थैंक यू सो मच।